हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टिश्यूज़ का जो एक टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसकी कंडीशन क्या होती है इसके अंदर, तो इसमें याद रखना है कंजॉइंट, ओपन एंड एंडार्ज कंडीशन। अब एंडार्ज कंडीशन हम पढ़ के आए हैं जिसमें प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरह होता है। तो डायग्राम से हम इसको देख लेते हैं। तो ये हम डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात थी कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मीन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर, यहाँ दोनों साथ में हैं तो कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट ओपन, ओपन मीन इनके बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम क्या होता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम के जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुला मीन वेसिकुलर बंडल, तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम इसे कहा जाता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। ये बीच वाली लाइन जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, दिस वन इज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। तो ये कंडीशन होती है। और लास्ट में आपको बताया था एंडार्ज कंडीशन, जिसमें प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये तो थी कंडीशन। अब बात आ गई हमारे स्टेप्स की। तो सेकेंडरी ग्रोथ में दो स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो ये डायग्राम के थ्रू हम करते हैं, इसमें हमें पहले से पता है कि एक कैम्बियम जो पहले से ही इसमें प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इन दो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनके बीच में जो ये मेडुलरी रेस प्रेजेंट है, जो पिथ को बाहर पेरिसाइकल से ज्वाइन करती हैं, दीज आर मेडुलरी रेस, दीज आर मेडुलरी रेस। तो इन मेडुलरी रेस की जो सेल्स हैं बिटवीन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दे बिकम मेरिस्टमेटिक। वो मेरिस्टमेटिक हो जाती हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि सेकेंड डायग्राम में हमें देखते हैं, यहाँ पे सेल्स मेरिस्टमेटिक हो गई और इन्होंने ज्वाइन कर लिया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को। जो ये मेडुलरी रेस से डेवलप हुआ है, दैट इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मीन फेसिकुलर मीन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। तो इनके बीच में जो बना वो है इंटरफेसिकुलर, और इसने ज्वाइन कर लिया इंट्राफेसिकुलर, और दोनों ने ज्वाइन करके एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होगी। अब ये कैम्बियम रिंग, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक है, तो इसमें डिवीजन होगी इनर साइड भी और आउटर साइड भी। बाहर की साइड, रिंग के बाहर साइड है फ्लोएम, अंदर की साइड है जाइलम। तो बाहर की साइड जब ये रिंग की सेल्स, कैम्बियम रिंग की सेल्स बाहर की तरफ डिवाइड करेंगी, तो ये बनाएंगी सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम। बाहर की तरफ डिवाइड करेंगी सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ डिवाइड करेंगी सेकेंडरी जाइलम। तो नेक्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं कि ये जो डार्क रिंग बीच में हम बना रहे हैं, ये वाली है वेस्कुलर कैम्बियम। जो कैम्बियम की रिंग है, ये अंदर की तरफ डिवाइड कर रही है, तो इसने बनाया सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ डिवाइड कर रही है, तो ये पार्ट जो इसने बनाया, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। तो जब ये अंदर की तरफ डिवाइड, अंदर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो जो प्राइमरी जाइलम है वो अंदर की तरफ क्रश हो जाएगा।